और राखी गढ़ी का इतिहास भी आपको बता देते हैं। हिसार के राखी गढ़ी गांव में 11 टीलों के नीचे 5000 साल पुराना शहर मिला है। ये 350 हेक्टेयर में फैला है। इसमें 7 टीलों को चिन्हित किया गया है। दफन हो चुके हड़प्पा कालीन शहर की पुरातात्विक खुदाई के में विकसित शहर के सबूत मिले हैं। उस शहर में 5000 साल पहले घर, साफ सफाई, सड़कें, आभूषण और शवों के अंतिम संस्कार के वक्त क्या रखा जाता था, इसके भी सबूत मिले हैं। खुदाई में महिलाओं के शव, चूल्हे और कॉपर का आईना मिला था। आज की तरह कटी हुई सड़कें हैं, गलियां, नालियां हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राखी गढ़ी हड़प्पा कालीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण शहर और व्यवसायिक केंद्र रहा होगा। और इस वक्त मेरे साथ जे मीडिया संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। रोहित, क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का और राखी गढ़ी न सिर्फ हरियाणा के लिए बल्कि देश के लिए एक धरोहर है, तो उसको उसी तरीके से विकसित करना ताकि ना सिर्फ देश के लोग बल्कि दुनिया भर के लोग उस संस्कृति को देखने के लिए वहां आए। जी बिल्कुल, धर्म, अगर राखी गढ़ी की इतिहास की बात कर ली जाए तो अपने आप में काफी महत्वशाली इतिहास को ये संजोए हुए है। बात कर ली जाए इस राखी गढ़ी साइट की तो करीबन 5000 साल पुरानी ये साइट है। जिस तरह से इसमें खुदाई की गई थी और उस दौरान जो अवशेष मिले थे वो इस बात को प्रमाण करते थे। फिर चाहे बात यहाँ पर मिले अगर कंकालों की बात कर ली जाए, इसके साथ साथ जो एक तरह से टीले के नीचे खुदाई करने पर जो सड़कें मिली या फिर दूसरे जो भी अवशेष मिले वो इस बात को प्रमाणित करते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज राखी गढ़ी आ रहे हैं। दोपहर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस राखी गढ़ी में जो एक तरह से साइट है वहां का विजिट करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि राखी गढ़ी के अंदर जो म्यूजियम बनाया गया है जिसकी लागत करीबन 25 करोड़ रुपए आई है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस म्यूजियम के अंदर तमाम तरह की फैसिलिटीज हैं और 5000 स्क्वायर फीट में बनने वाले इस म्यूजियम का एक तरह से अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे। साथ ही साथ जितने भी तमाम अधिकारी हैं उनके साथ इसी म्यूजियम के अंदर एक तरह से बैठक लेंगे और बैठक के दौरान जो अब तक के विकास राखी गढ़ी से संबंधित हुए हैं, इस म्यूजियम से संबंधित बात कर ली जाए या फिर सौंदर्यकरण को लेकर जितनी भी गतिविधियां अभी की गई हैं उस बाबत जो है दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल देने का काम करेंगे। तो करीबन 12 बजे का कार्यक्रम मुख्यमंत्री मनोहर लाल का राखी गढ़ी पहुंचने का रखा गया है। 12 बजे के करीब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वहां पर कार्य किस गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब आएंगे तो अधिकारियों को अपनी उसका स्टेटस रिपोर्ट भी अधिकारियों को देना होगा। देखिए, अगर कार्यों की बात कर ली जाए तो राखी गढ़ी का जो म्यूजियम बनाया जा रहा है वो भी निर्माणाधीन है। कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो हो चुका है, लेकिन जो बाकी का सौंदर्यकरण का काम है, स्ट्रीट लाइट का काम है या तमाम और तरह के काम है वो अभी पेंडिंग है। तो ऐसे में अवलोकन करने के साथ साथ तमाम जितने भी अधिकारी गण रहेंगे, इसमें बता दें कि कई विभागों के डिप्टी डायरेक्टर भी इस मीटिंग में शामिल रहेंगे और उनसे तमाम पहलुओं पर मंथन करने के बाद कुछ दिशा निर्देश भी देंगे। राखी गढ़ी के साइट्स की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से एक तरह से भारत का नाम पूरे विश्व में चमकाने के लिए ये साइट्स अपने आप में इसलिए भी महत्व रखती है क्योंकि 5000 साल पुरानी ये साइट है और इस दौरान जो खुदाई के वक्त जो अवशेष मिले थे उससे भारत का नाम जो है एक तरह से पूरे विश्व में चमका था। क्योंकि पूरे विश्व की अगर बात कर ली जाए तो तमाम तरह के जितने भी यहाँ से अवशेष मिले थे उनका अवलोकन करने के लिए यहाँ पर फॉरनर्स भी आएंगे, इस तरह की बातें जो है वो भी चर्चाओं में रही है। तो कुल मिलाकर एज ए पर्यटन स्थल रूप में ये साइट उभर पाए इसीलिए यहाँ पर म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। तो इसी दिशा में किस तरह से काम अभी तक चल रहा है और कितनी तेजी और लाने की जरूरत है तमाम पहलुओं पर मंथन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज बैठक लेंगे। चलिए, मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे तो वो स्टेटस रिपोर्ट भी देखेंगे, जो कार्य चल रहा है उसको भी लेकर, और ओवरऑल अगर बात करें तो कब तक ये सारी चीजें, कुछ डेडलाइन रखा गया है कि कब तक ये सारा चीज बना लिया जाए आम लोग वहां? हालांकि कुछ लोग तो अभी भी पहुंचते होंगे, लेकिन जब ये पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा, म्यूजियम बन जाएगा, सारी चीजें अप टू डेट हो जाएंगी, तब और जब इसको प्रचारित किया जाएगा तब और लोग पहुंचेंगे, कुछ डेडलाइन रखा गया है रोहित? देखिए, अगर इसके निर्माण के कार्यों की बात करी जाए तो 2 साल हो चुके हैं इसके निर्माण को चलते, लेकिन बीच में जिस तरह से
कोरोना का पीरियड आया था उसकी वजह से भी डिले हुआ। हालांकि प्रयास यही है कि जल्द से जल्द इसको पूरा कर लिया जाए और उसी दिशा में तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हैं। बकायदा डीसी उत्तम सिंह की बात कर ली जाए तो वो भी इस म्यूजियम के निर्माण को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जितने भी संबंधित विभाग हैं उनको भी खास दिशा निर्देश दिए गए हैं और आज स्टेटस रिपोर्ट भी एक तरह से मुख्यमंत्री लेंगे। साथ ही साथ आपको एक और अपडेट बता दूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दौरा राखीगढ़ी में रखा गया है, साइट्स पर रखा गया है, तो उसके मद्देनजर वहां पर ड्रोन इत्यादि को उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बाकायदा रेड जोन जो है राखीगढ़ी के 500 मीटर के म्यूजियम के एक क्षेत्र को घोषित किया गया, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं।